मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक। द लर्निंग अबाउट चैप्टर 2 हिस्ट्री। द अर्लीस्ट सोसाइटी फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। द सेक्टर सेकेंड चैप्टर इज गोइंग फॉर, ये इसका हिंदी होता है कि मानव जीवन के प्रारंभिक में क्या क्या उत्पादन और खोज की गई, कितने चरणों में बांटा गया, इसका हिंदी ये होता है। ये आज हम लोग इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। ओके, चैप्टर नाउ बिफोर गोज टू पीरियड देयर फ्यू क्वेश्चन आर कम अप ऑफ माइंड। नेक्स्ट सी लेट अस व्हाट इज अर्लीस्ट सोसाइटी गैदरिंग और ग्रोइंग। ओके, मीन्स presence in India has been found from the very ancient time. Billions of years ago, man was only a hunter and good gathering. It took lakh of years for him to become the producer of food and other goods. So let us divide the prehistory time into four stages. Paleolithic is और ओल्ड स्टोन एज, मेसोलिथिक एज और मिडिल स्टोन एज, न्यूलिथिक एज और न्यू स्टोन एज, पैलियोलिथिक एज और ब्रोंज एज। देयर आर फोर स्टेज इन प्रीहिस्ट्री डिवाइड। ओके, लेट अस दैट फर्स्ट टॉपिक ऑफ पैलियोलिथिक एज आर डिफाइंड नाउ। दिस इज कॉल्ड ओल्ड स्टोन एज। अब हम लोग इसको हिंदी में हम डिफाइन करते हैं, आप हिंदी में भी समझ लीजिए कि पैलियोलिथिक एज को क्या कहते हैं। पैलियोलिथिक एज को पूरा पाषाण युग या प्राचीन पाषाण युग के नाम से जानते हैं। सेकंड में मेसोलिथिक एज को मध्य पाषाण युग के नाम से जानते हैं। थर्ड नंबर नियोलिथिक एज को हम लोग नव पाषाण युग के नाम से या नए पाषाण युग के नाम से जानते हैं। चार नंबर है पैलियोलिथिक एज, जिसको ब्रोंज एज के नाम से जानते हैं, जिसको हम ताम्रपाषाण युग या कांस्य युग भी कहते हैं। ठीक है, अब ये सारे हमारे जो एज हैं, युग हैं, ठीक है। इस युग में क्या क्या डिफरेंट टाइप की खोज हुए, कि इस चरण किस किस चरण में किस किस पार्ट में किस किस तरह की खोज हुई और कौन कौन से आविष्कार हुए, ये हम लोग जानेंगे एक एक करके। आज हम डिफाइन करेंगे पैलियोलिथिक एज, जिसको ओल्ड स्टोन एज के नाम से जानते हैं, जो 5 लाख BC to 10,000 BC से तक है ये एज। अब इसमें किस चीज की खोज हुई, क्या हुआ, ये हम लोग जानेंगे। ड्यूरिंग द पैलियोलिथिक एज मेंस वाज ए नोमेड हु मूव्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। ही वाज कॉल्ड ए फूड गैदरिंग एंड और हंटिंग गैदरर। ओके, व्हाई डिड द फूड गैदरिंग और हंटर गैदरर मूव टू प्लेस? दिस इज बिकॉज, क्या कारण थे कि लोग इधर उधर घूमते थे, इस कारण के बारे में हम लोग जानेंगे। तो वंस द फूड सप्लाई ऑफ प्लांट एंड एनिमल रिसोर्स वेयर एक्सटेंस। ओके, मैन हुज हंटेड एनिमल वुड फॉलो मूवमेंट ऑफ एनिमल, एज बिग एनिमल वुड गो टू सर्च स्मॉलर एनिमल एंड प्लांट। पीपुल हु मूव टू सर्च ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सीजन फ्रूट्स एंड प्लांट। आर लिविंग बींग बी ह्यूमन एनिमल और प्लांट नीड वाटर टू सर्वाइव। ओके, अब आते हैं हम लोग टूल्स के बारे में। टूल्स का मतलब होता है औजार। ओके, तो किस तरह के औजार की खोज हुई, ये हम लोग जानेंगे। द टूल्स मेड ऑफ स्टोन ऑफ ओल्ड स्टोन एज, ओके, हैव बीन फाउंड इन द वैली ऑफ सन एंड द झेलम रिवर। दे हैव ऑल्सो बीन फाउंड एट वेरियस प्लेस इन साउथर्न इंडिया। इस युग में पत्थर के औजार सोन नदी की घाटी और ऊपर झेलम के नदी के क्षेत्र में मिले। दक्षिण भारत के अनेक स्थान पर ये औजार मिले। ये हमारे इस औजार का मेन खूबी क्या था, ये भी बताते हैं। ये एक बहुत ही कठोर पत्थर होते थे, जो औजार छुड़ी और गरासी
कुल्हाड़ी खुदाई करने के उपकरण के रूप में ये लोग इसको बनाए थे। आदि मानव पुरापाषाण युग के अनगढ़ पत्थरों को औजार के रूप में प्रयोग में लाते थे और ये औजार भी दो प्रकार के थे। तो ये टूल्स को भी दो भागों में बांटा गया। तो द टूल्स वेयर थ्री काइंड्स, कोर टूल्स, फ्लैट टूल्स एंड ब्लेड टूल्स। ओके, टू टूल्स आर कोर टूल्स डिफाइन है। कोर टूल्स वेयर मेड बाय द कोल मेटल इन अदर वर्ल्ड, दे वेयर मेड ऑफ स्लिपिंग अवे पर्सन। ओके, पीस ऑफ रॉक